और उस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। 3 सीनियर विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी भोपाल से, जहां पर शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ है। विंध्य बुंदेलखंड और महाकौशल को श्राधने की ये कोशिश। बता दें कि विंध्य से राजेंद्र शुक्ला ने मंत्री पद की शपथ ली है, महाकौशल से गौरी शंकर बिश्नोई ने मंत्री पद की शपथ ली है, और वहीं ओबीसी नेता और बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने मंत्री पद की शपथ ली है। विंध्य में कुल विधानसभा की 30 सीटें आती है, जिसको साधने की ये कोशिश है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट का ये विस्तार हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। महाकौशल में 38 विधानसभा सीटें हैं, जिसको साधने की कोशिश की गई है। वहीं आपको बता दें कि महाकौशल और बुंदेलखंड और विंध्य, ये 3 इलाकों पर शिवराज सरकार का विशेष फोकस है, और विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट का विस्तार है। बता दें कि 3 सीनियर विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जहां पर राज्यपाल ने सभी 3 विधायकों को शपथ दिलवाई है। सभी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, और बता दें कि विंध्य बुंदेलखंड और महाकौशल को श्राधने की कोशिश है। राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिश्नोई और राहुल लोधी ने मंत्री पद की शपथ ली है। बता दें कि तीनों बड़े नेता हैं और अपने अपने क्षेत्र में मशहूर है। बता दें कि विंध्य से राजेंद्र शुक्ला हैं, और विंध्य में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं, जिसको साधने की कोशिश की गई है। वहीं महाकौशल की अगर बात करें, तो महाकौशल से गौरीशंकर बिश्नोई आते हैं, और महाकौशल में 38 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में राहुल लोधी हैं, जहां पर बुंदेलखंड में 26 विधानसभा सीट आती है। ओबीसी का बड़ा चेहरा है और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के करीबी भतीजे माने जाते हैं। तो ये 3 विधायक, 3 क्षेत्र, जहां पर शिवराज सरकार की नजर और विधानसभा चुनाव से पहले ये कैबिनेट का विस्तार